जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर आप आकांक्षा 40 की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की सेशन में मैं आप लोगों को आकांक्षा 40 सेकेंड एग्जाम की वायरल क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए इतना मेहनत किया और सेकेंड एग्ज़ाम के लिए ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग के लिए और थोड़ा मेहनत कर लेना चाहिए, ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर मैं आज आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताने वाला हूँ, और हो सके तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। और आपको अभी क्वेश्चन बताएंगे बहुत सारा, और मैं आपको एक PDF भी देने वाला हूँ, तो PDF कहाँ पर मिलेगा वो भी बताऊँगा। ठीक है, चाहे आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं या फिर बायो के स्टूडेंट हैं, ठीक है, दोनों देखिएगा। ये फिजिक्स है, फिजिक्स दोनों के पेपर में आएगा, तो फिजिक्स को आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत तरह फंसने वाला है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, और आपका सपोर्ट और प्यार अगर रहता है तो आप लोग को 11th की भी तैयारी इस चैनल से मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक विद्युत बल्ब, ठीक है, एक विद्युत बल्ब 20 मिनट के लिए 0.25 एम्पियर धारा खींचती है, तो परिपथ से होकर, ठीक है, प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उसकी मात्रा क्या होगा। ठीक है, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसकी मात्रा तो आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, ऑप्शन है 120 कूलम, उसके बाद है 48 कूलम, उसके बाद है 300 कूलम, उसके बाद है 500 कूलम। तो कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से सुनिए, आप लोगों को फॉर्मूला जो है अगर पता हो तो इजीली आप इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर धारा तो दिया हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे I। ठीक है, I मतलब होता है धारा, जिसे हम लोग संकेत करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना दिया हुआ है, 0.25 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। और अगर बात करें हम, अगर बात करें समय की, तो समय देख लीजिए, टी आपका कितना दिया हुआ है, तो 20 मिनट दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको इसे सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो सेकंड में बदलने के लिए हम 60 से गुना कर देंगे, तो 20 गुना में 60 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई, तो यहाँ पर 1200 सेकेंड के करीबन आ जाएगा। ठीक है, 1200 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, तो 1200 सेकेंड आ गया। और हम लोग जानते हैं धारा निकालने के लिए, हम जानते हैं कि धारा इक्वल, यानी कि I इक्वल टू होता है Q मतलब आवेश बटे में समय। तो आवेश, तो आपको आवेश तो ज्ञात करना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ से और एक फॉर्मूला निकाल लीजिए। तो आप Q को इधर लाइए, ठीक है, तो Q जब लाएंगे तो यहाँ पर धारा इधर जाएगा, मतलब धारा गुना में समय हो जाएगा। ठीक है, धारा, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, धारा गुना में हो जाएगा समय। ठीक है, समय हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि धारा आपका कितना है, तो 0.25 है। ठीक है, गुना में समय की बात करें तो ये 1200 है। ठीक है, तो दोनों को गुना करने के बाद आपका जो आएगा बाबू, वो 300 कूलम आ जाएगा। ठीक है, 300 कूलम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आप लोग 10th में भी पढ़े हो भाई, 10th में भी पढ़े हो ये सब क्वेश्चंस। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है। यहाँ पर बोल रहा है कि देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि एक विद्युत स्तरी को 220 वोल्ट की विद्युत लाइन से 3.4 एम्पियर की धारा खींचती है, तो विद्युत स्तरी को 110 वोल्ट विद्युत लाइन से जोड़ा जाता है, तो धारा खींचेगी कितना खींचेगी। अगर इतना वोल्ट धारा लगा रहे हैं तो विद्युत लाइन में कितना धारा खींच रहा है, तो 3.4 एम्पियर। अगर 110 वोल्ट का लगा दें तो वहाँ पर धारा कितना खींचेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी जस्ट वैसे ही होने वाला है, जो भी दिया हुआ है उसे सबसे पहले लिखना पड़ेगा। यहाँ पर तो सोल्यूशन आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर समझा के बताऊँगा, ये नहीं कि रटवा दूंगा, रटना नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है भाई, है ना, बात समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो देखो जी, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको थोड़ा सा इधर लाते हैं। आप देखो यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भी I दिया हुआ है, देखो धारा इतना। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं भाई, धारा कितना दिया हुआ है, है ना, है ना जी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो धारा है वो धारा कितना दिया हुआ है, बोलो। यहाँ पर धारा है 3.4 एम्पियर का धारा है, है ना। अगर बात करें हम वोल्टेज की, यानी कि V, ठीक है, वोल्ट की बात करें तो ये आपका 220 वोल्ट। ठीक है, एक मिनट, 220 वोल्ट। ठीक है,
और हम जानते हैं बाबू, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, अगर यहाँ से प्रतिरोध निकालना चाहिए तो आप लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हो, V=IR, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। लेकिन यहाँ से हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे R, ठीक है, तो R इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V बटे में I हो जाएगा, है ना। तो V बटे में I मतलब आपका 220 बटे में कितना, 3.4। तो दोनों को काटिएगा तो आपके सामने जो रिज़ल्ट आएगा ना, वो रिज़ल्ट आ जाएगा यहाँ पर 64.7 एम्पियर, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा सा मेहनत करके भागा तो दे सकते हैं, ठीक है। दशमलव उठाना है, ऊपर में 10 देना है और काटाकुटी कर लेना है, आपका यही आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आ गया। अब आप लोगों से बोल रहा है कि अगर हम 110 वोल्ट, ठीक है, विद्युत लाइन को जोड़ेंगे तो इसमें धारा क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर धारा, यहाँ पर भी धारा निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि धारा निकालने यानी कि आई निकालना पड़ेगा। तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी बटे में आर होता है ना। तो यहाँ पर आई जैसा है वैसा दिए और वी हमारा कितना है, बोलो जी, 110 वोल्ट है कि नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, तो 110 लिखा और हमारा रजिस्टेंस अभी आया कितना, 64.7, ठीक है। तो 64.7 से भागा दीजिएगा, मतलब ये वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पर 110 आया था कि नहीं हमारा भी, है ना, या ये वाला, ठीक है। तो इसके साथ 64.7 के साथ भागा देंगे तो आपका जो आएगा रिजल्ट, आपका रिजल्ट आ जाएगा कितना, 1.7 एम्पियर, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। इस चीज़ को खोपड़ी में बैठा लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है, ये बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं लग रहा है मुझको, ठीक है, फिर भी बता देते हैं। क्या है कि जब तीन ओम 6 ओम के दो प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में जोड़ा या फिर संयोजित किया जाता है तो तुल्य प्रतिरोध निकालो बाबू। वही 10th लेवल का सवाल, लेकिन वीडियो छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि अभी आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देने वाले हैं PDF के रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो इसको किस प्रकार से बनाना है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि पार्श्व क्रम में, देखिए अगर आपको यहाँ पर श्रेणी क्रम या फिर समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम मिलता है तो आपको फंडा क्या लगाना है, ठीक है। देखिए पहला होता है अगर आपको श्रेणी क्रम में दिया जाए, ठीक है, श्रेणी क्रम में अगर दिया जाए तो यहाँ पर जो प्रतिरोध होगा वो R1 प्लस में R2 प्लस में R3, इस प्रकार जो भी होगा आप लोगों को प्लस प्लस दे करके जोड़ते जाना है, ठीक है, जोड़ते जाना है, क्लियर है। अगर आपको यहाँ पर क्या दिया जाए, समांतर क्रम, ठीक है, समांतर में दिया जाए, और समांतर का ही दूसरा नाम होता है पार्श्व क्रम, जो कि दिया हुआ है, ठीक है, पार्श्व क्रम, ठीक है। तो दोनों दिया रहे तो आपको फॉर्मूला लगाना है 1/R, ठीक है, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस प्रकार से जो भी प्रतिरोध रहेगा, जितना भी प्रतिरोध रहेगा जोड़ देना है, ठीक है, बस समझ में आ गया। तो हम वही फंडा यहाँ पर लगाएंगे भाई, है ना। तो यहाँ पर देखो हम जो फंडा लगा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, आपको मतलब जीवन भर काम देगा, ठीक है। देखो यहाँ पर दो को प्रतिरोध है और इसे पार्श्व क्रम में जोड़ना है, तो पार्श्व क्रम में 1/R हमने क्या बताया, 1/R1, 1/R1 आपका 3 है, मतलब पहला प्रतिरोध 3 है, प्लस में दूसरा प्रतिरोध 1/6 है, मतलब ऊपर तो देना है 1, ठीक है, फॉर्मूला में है, है ना। और इस प्रकार से जो भी रहेगा जोड़ते रहे, तो आपको यहाँ पर दो को प्रतिरोध है तो और जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 1/R इक्वल टू आपका लॉस हो जाएगा 6 × 3 × 2 = 6, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 3/6। तो इसे हम काट सकते हैं, देखो 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, ठीक है। तो यहाँ पर वहाँ यही आंसर मत कर देना, क्योंकि ये भी देखो ऑप्शन में दिख रहा होगा, लेकिन आप अगर ये बता रहे हैं तो आप गलत हैं, ठीक है। क्यों गलत है आपको बताते हैं भाई, हम है ना बताते हैं आपको। देखो 1/R इक्वल टू आपका कितना आया, 1/2, ठीक है। आप देखो R निकाल लें, इसके साथ ये गुना होगा, इसके साथ ये गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर R, ध्यान से देखो, यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। तो R इक्वल टू 2 है आपका, तो जी हाँ 2 ओम, ठीक है, 2 ओम, तो आपका 2 ओम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर C, ठीक है। बात अगर खोपड़े में घुसल गया तो आप लोगों का मतलब काम हो गया, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और ये वाला क्वेश्चंस तो आप खुद बना लीजिएगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ भी खूब बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ, क्या है कि एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट की सप्लाई से 10 एम्पियर धारा खींचता है, तो हीटर को 30 दिनों तक प्रति 5 घंटे प्रयोग की लागत क्या होगा, यदि एक यूनिट यानी कि 1 kWh की लागत यहाँ पर रुपये दिया हुआ है 5.20 है, ठीक है। तो इसकी आप यहाँ पर सॉल्यूशंस भी इजीली देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा बाबू, ये 10th लेवल का सवाल है, ज़्यादा कुछ जो है हार्ड नहीं है, ठीक है।
सबसे पहले जो दिया हुआ है वो चीज़ देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो ऊर्जा की खपत है उसका फॉर्मूला लगा दिया गया और इसको निकाल दिया गया और 30 दिन में खपत होती है इतना, तो 1 kWh इतना बोल रहा है, ठीक है। ये तो निकाल दिया गया 30 दिनों की ऊर्जा की खपत जो है निकाल दिया गया और यहाँ पर जो बोला था वो निकाल दिया गया, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ पर है नहीं, जैसे मैंने थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो खुद से, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। और PDF की बात कर रहे हैं थोड़ा सा, देखिए मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ कि मेरे पास जो चीज़ हैं अभी कुछ PDF मैं आप लोगों को दे दूँ, ताकि PDF की मदद से, देखिए मैं डेली तो वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल जो भी बताऊँगा वही क्वेश्चंस तो आएगा आप लोग एग्जाम में। तो जितना भी मैंने सीनियर के लिए जो है ना आप लोग के बताए थे पहले जब फर्स्ट एग्जाम के लिए, वो सब वीडियो फिर से एक बार देख लो, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, समझ लो, उसके बाद आप लोग तो अपना तैयारी को कर लेना। और जो भी प्लेलिस्ट है 2022 का वो भी चेक कर लेना, देख लेना, ठीक है। तो सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन पाने के लिए जोरदार तरीके से पढ़िए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।